डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिट इन ओवरसीज। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल ओवरसीज एजुकेशन इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। चाहे मैं किसी भी कंट्री के लिए बात करूं, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स को वहां जाके अब्रॉड जाके दूसरी कंट्री में पता चलता है कि भाई हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया, हमारा तो इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ था। तो अगर मैं स्पेसिफिकली US के बारे में बात करूं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ कंसल्टेंसीज की फ़ीस होती है, बेसिक फ़ीस होती है, जैसे 5,000, 10,000, 20,000 XYZ जो भी अमाउंट होता है, वो पैसा बचाने के लिए वो फ्री कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं। फ्री कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन ज़रूर लॉन्च करेंगे, व्हाट्सएप के सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन किस यूनिवर्सिटी में या किस कॉलेज में लगाई जा रही है। जब आपको यही नॉलेज नहीं है, देन आप कैसे कॉन्फिडेंट होंगे आगे के लिए। ये चीज़ें वो करते हैं। उसके साथ साथ आपके क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ लग रहे हैं, आपके फाइनेंशियल्स कैसे लग रहे हैं, आपका SOP कैसा जा रहा है, ये भी स्टूडेंट को पता नहीं होता है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम भी पता नहीं होता है। उस केस में क्या होता है, वो क्या करते हैं कई बार कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं Tier 1 यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन एजेंट्स क्या करते हैं अपनी कमीशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए Tier 2 या Tier 3 यूनिवर्सिटी में लगा देते हैं ताकि हमें हमारा बेनिफिट मिल सके। लेकिन उससे क्या होता है, आपका नुकसान होता है, आपका फाइनेंशियली भी नुकसान होगा, उसके साथ साथ हो सकता है कि आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आप लोअर ग्रेड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो ऑफिसर डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस फ्रॉड में नहीं फंसना है, आपको इससे बचना है ताकि आगे जाके कभी आपके बैन होने की नौबत ना आए। तो इन चीज़ों का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। और हम वापस आते हैं अपने स्प्रिंग इनटेक पे। जैसे कि हम सबको पता है कि स्प्रिंग इनटेक के एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्प्रिंग इनटेक में, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें application02@meritin.org पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आप मिलकर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं, और आपकी कोई बेसिक सी क्वेरी है तो आप उसे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और यूजफुल वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।